हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं निकला हूँ गाड़ी को लेके ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद। सो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था इससे पहले वाला दिन, सो वही मैं आज गाड़ी को लेके मैं बोलूँगा थोड़ा सा हाईवे के साइड पे। उससे पहले मेरा जो है फ्यूल भी गाड़ी पे एकदम ख़त्म है, तो एक बार मैं फ्यूल लो फ्यूल का इंडिकेट कर रहा है, तो एक बार मैं फ्यूल भरवा के उसके बाद दिल्ली रोड के साइड पे जाके मैं जो जो चीज़ है क्या है मैं बोलता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ये सब में थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए टाटा को। क्या है ये सीरियसली? सो मैं अभी दिल्ली रोड का साइड पे खड़ा हूँ, फ्यूल अप हो गया। सो बात यही है कि इससे पहले वाला दिन जब मैं गाड़ी को लेके निकलने वाला था, उस टाइम पे जब मैंने बूट ओपन किया, सो जो बूट ओपन होता है तो हॉर्न बजता है, तो उस टाइम पे हॉर्न बजा नहीं था। सो मैंने सोचा हॉर्न क्यों नहीं बजा, उसके बाद मैं इधर ड्राइवर सीट पे आके देखा, हाँ हॉर्न नहीं बज रहा है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग पे एक ही ख्याल आया कि हाँ हॉर्न का फ्यूज़ चला गया। सो मैंने फ्यूज़ बॉक्स खुल के चेक किया, उधर बहुत सारा फ्यूज़ होता है। मैं बाहर जाके मैं देखाता हूँ बोनेट ओपन करके जे फ्यूज़ बॉक्स पे क्या है क्या नहीं। यह हालांकि इससे पहले वाला एक वीडियो पे मैंने दिखाया था, तो जो फ्यूज़ है फ्यूज़ चला गया था, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे मैं थोड़ा जल्दी में था, क्योंकि मैं मतलब मेरा मामी था और एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो उसके लिए। बट जो है जल्दी जल्दी में मैंने वो ढूंढ नहीं पाया कि हॉर्न का फ्यूज़ कौन सा है। सो सोचा कि चलो मेरे से अच्छा होगा कोई एक मैकेनिक के पास लेके चलूं, लेकिन जो मैकेनिक के पास लेके गया था मतलब कोई भी नॉलेज नहीं था उसके पास। वो बोला जे फ्यूज़ ठीक है, रिले ख़राब हो गया हॉर्न का। तो ठीक है, हॉर्न का रिले खुल के दूसरे एक रिले लगा के दिखाया, मतलब जो गाड़ी पे ही रिले था वही, लेकिन काम नहीं किया। उसके बाद यहाँ सेवड़ा पुलिस से मैं गाड़ी को लेके टीसी मोटर्स पे गया, हॉर्न बज नहीं रहा था। एकदम धीरे 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 रास्ते का साइड से मैं गया था, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का रास्ता जो है एक घंटे के ऊपर लगा मुझको। जब उन लोगों ने देखा तो देखने के बाद बोला हाँ हॉर्न का फ्यूज़ गया है, रिले नहीं। और मतलब मैंने पहले ही दिखाया था, तो मैं यही एक वीडियो में मैं बोलना यही चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप अपने से खुद देखो, टाइम दे के देखो। सो मारुति का गाड़ी होगा तो ठीक है, हर कोई मैकेनिक सब मालूम है, लेकिन टाटा या और दूसरी कंपनी का गाड़ी, हालां मतलब और एक बार टाटा का जो मतलब नया मॉडल का गाड़ी जो है टियागो, टाइगर, पंच या अल्ट्रोज, इन सब में जो लोकल मैकेनिक है उन लोगों का उतना नॉलेज नहीं है, यही मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। वो जो मैकेनिक है वो एक्चुअली जो मेरा रिले था, रिले मतलब जो रिले बैठता है वो एकदम चिपक के बैठता है, तो अगर ठीक से नहीं खुलोगे तो रिले ख़राब हो जाएगा। तो एंड मतलब कुछ किया तो नहीं, मेरा जो रिले था रिले भी ख़राब कर दिया। तो टीसी मोटर्स पे जाके मेरा एक्चुअली जो है फ्यूज़ का जो प्राइस है 14 रुपीज़ का है और रिले का प्राइस है 120 रुपीज़। सो मतलब मेरा 14 रुपीज़ में काम हो जाता, 14 बट ऑल एक्स्ट्रा 120 रुपीज़ देना पड़ा। उसके बाद मैं एक बार बाहर जाके दिखा देता हूँ बोनेट ओपन करके क्या है। इधर देखो जो इस पहले वाला वीडियो पे मैंने दिखाया था, इधर फ्यूज़ बॉक्स होता है, इधर देखो सब जो जो चीज़ है इधर, यही सब चीज़ इधर लिखा है। तो आपको यहाँ से गिन के दिखना पड़ेगा कि किधर क्या है, कौन सा फ्यूज़। हॉर्न का फ्यूज़ आई थिंक ये वाला था, उस टाइम पे टाटा मोटर्स में दिखाया था, लेकिन अभी मैंने भूल गया इधर क्या है। और देखो मैकेनिक जो है हॉर्न का जो फ्यूज़, तो सॉरी ये रिले है, रिले तो हॉर्न का ख़राब कर ही दिया था, ये फ्यूल पम्प का रिले है, ये भी थोड़ा सा देखो थोड़ा सा अनइवन सा हो गया। तो दिस इज़ द थिंग, एंड टाटा मोटर्स ने यही बोला अगर कोई भी इधर रिले कुछ काम नहीं कर रहा है, ये दोनों जो रिले है हेडलाइट का रिले है, एक हाई एक लो, आप यहाँ से एक रिले खुल के इधर लगा सकते हो। और ये तीन रिले, एक स्टार्टर का है, स्टार्टर जो पंप, एंड एक एबीएस का है आई थिंक, एंड अनदर वन इज़ फ्यूल पंप। तो ये तीन रिले कभी भी नहीं खुलना है,
अगर हॉर्न का या किसी का भी रिले ख़राब होगा तो इधर हेडलाइट से आप रिले खुल के इधर लगा सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग। एंड इधर आपको स्पेयर फ्यूज़ मिलता है लेकिन स्पेयर रिले नहीं है। सो यही है बात। और इधर आप देख के कुछ जो जो चीज़ है आप इधर से आपको टाइम देना पड़ेगा और आप यहाँ से देख के जो चीज़ है समझ जाओगे। दिस इज़ द थिंग। दिक्कत है गाड़ी में तो मैं तो यही बोलूँगा ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाओ, लोकल मैकेनिक के पास मत लेके जाओ क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकता है। और मेरा जो बिल है आई थिंक बुक पे है, ये देखो जो बिल में देखो फ्यूज़ का प्राइस जो है 14 rupees है इंक्लूडिंग टैक्स एंड रिले का प्राइस 120 rupees। तो बेकार में 120 rupees का खर्चा हुआ, मैकेनिक को पैसा देना पड़ा। एंड मतलब मेन इम्पोर्टेंट बात कि मेरे को मेरा जो काम था वो नहीं हुआ। अगर मैं देख के फ्यूज़ देख के चेंज कर लेता या मैं वहाँ से टीसी मोटर्स गाड़ी को लेके चला जाता तो कुछ होता, लेकिन जो मैंने डिसीजन लिया था वो गलत था। सो दिस इज़ द थिंग। चलो एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। और एक चीज़ जो मैंने मतलब जो पहले मतलब फर्स्ट टाइम पे वीडियो का इन शुरू पे दिखाया था जो ये म्यूज़िक सिस्टम हैंग कर रहा है, आई थिंक इसका एक रीज़न ये जो है कार्लिंग किट का जो वायरलेस डिवाइस मैंने इंस्टॉल किया। कभी कभी होता है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आई डोंट नो फॉर द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग, बट हाँ कभी कभी होता है ये चीज़। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है 10,000 rupees ऑलमोस्ट पानी पे दे दिया क्योंकि उतना काम का चीज़ नहीं है, लेकिन चलो ले लिया तो ले लिया, अच्छा ही है। मतलब वायरलेसली एप्पल कार प्ले मेरा फ़ोन पे मतलब मेरा गाड़ी पे चलता है। सो दिस इज़ द थिंग। या चलो एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।